हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं बीसीओसी 136 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि है स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। अगर आप इंडिया में रहते हो, अगर आप रेसिडेंस अगर आपका इंडिया का है, तो आप टोटल इनकम को किस तरीके से ट्रीट करोगे। ठीक है, इनकम टैक्स में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाई हुई हैं। अभी हम बात करने वाले हैं रेसिडेंट्स को लेकर के। तो तीन तरह के रेसिडेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि होता है। एक होता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, दूसरा होता है नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और तीसरा होता है नॉन रेसिडेंट। तो तीन तरह के रेसिडेंट होते हैं, और तीनों तरह के रेसिडेंट के केस में जो इनकम है उसका जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। हम एक एक करके बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट क्या होता है, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। आप एक बार उसको देख लीजिए ताकि आपको प्रॉपर जो है उसका बेस समझ में आ जाए। अब हम बात कर लेते हैं इसके टोटल इनकम के बारे में कि टोटल इनकम क्या कहता है। मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ओके देन, ठीक है, फिर चलिए देखते हैं। So we have examined the rules determining the residential status of an SSC given in Section 5 of the Income Tax Act. तो इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 5, उसके तहत हमें पता चल जाता है कि कौन सा बंदा जो है वो रेसिडेंशियल स्टेटस उसका क्या है, क्या वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, सेक्शन 5 इनकम टैक्स के तहत उसमें रूल्स लिखे हुए हैं, वो रूल्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। एज स्टेटेड अर्लियर, द स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी डिपेंड्स ऑन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो जब भी आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करोगे तो आपको ये देखना होगा कि जिसका भी आप इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, जो एसएससी होगा, है ना, उसका जो प्रीवियस ईयर है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या था, उस प्रीवियस ईयर में उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या था, क्या वो पहले वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है, दूसरे वाली या तीसरे वाली में। ठीक है, तो ये आपको चेक करना होता है। ठीक है, सो इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ टोटल इनकम फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एसएससीज। ठीक है ना, तो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एसएससी मैंने बताया आपको, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। ठीक है ना, तो इसको देखो, सबको सेक्शन अलग अलग है। सेक्शन 5(1) ये आ जाएगा, ये भी सेक्शन 5(1) का हिस्सा है, और नॉन रेसिडेंट इंडियन जो है, आई मीन नॉट इंडियन, नॉन रेसिडेंट जो है वो सेक्शन 5(2) में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में क्या होगा, द टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन हु इज रेसिडेंट इन द प्रीवियस ईयर, इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इंक्लूड्स ऑल इनकम फ्रॉम व्हाटएवर सोर्सेस डिराइव्ड व्हिच। ठीक है, तो एक बंदे का टोटल इनकम, अगर वो रेसिडेंट है, अगर वो इंडिया में रह करके इंडिया का रेसिडेंट है, इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो उसका इनकम कहीं से भी आए वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ इज रिसीव्ड, उसने इनकम रिसीव किया हो या रिसीव करने वाला हो, डीम टू बी रिसीव इन इंडिया इन सच ईयर बाय हिम और हिज बिहाफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इस साल आप रिसीव करो या उसके अगले साल रिसीव करो, जो भी इनकम आप रिसीव करोगे वो चार्जेबल होगा। दूसरा पॉइंट में बोला जा रहा है एक्रूज और अराइजेज और डीम टू एक्रू और अराइज इन टू हिम इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले साल कुछ ऐसा इनकम जो कि एक्रू हो चुका है, मतलब आपको मिलने वाला है या आ चुका है, ठीक है ना, अक्रू हुआ है या अराइज हुआ है, मतलब अक्रू मतलब एक तरीके से पक्का है कि आपको मिलेगा, अराइज मतलब अभी अराइज हुआ है, अभी अक्रू नहीं हुआ है कि आपको मिलना ही है कि नहीं मिलना है। तो ये दोनों केसेस, चाहे वो अक्रू हो या फिर अराइज हो, दोनों केसेस में ही अगर वो इंडिया में अगर आप रिसीव कर रहे हो तो वो टैक्सेबल होगा इंडिया में। सी नंबर पॉइंट है अक्रूज और अराइज टू हिम आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द ईयर। अब कोई ऐसा पैसा जो कि बाहर में अक्रू कर रहा है, इंडिया के बाहर अक्रू कर रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में भी आपको पैसा देना है क्योंकि आप रेसिडेंट हो कहाँ के, इंडिया के, आप इंडिया में इंडिया के रेसिडेंट या फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट आप हो। अब देखो ये रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो है ये सिर्फ इंडियन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये फॉरेनर्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। अगर वो इंडिया में 6 साल या फिर 6 महीने या उससे ज्यादा रह जाए कॉन्टिन्यूस पिछले साल में, तो इस साल में जब उनका इनकम टैक्स कैलकुलेशन होगा तो उनको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सालों का एक तरीके से कंडीशन होता है, महीनों का कंडीशन होता है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, अच्छा, अब नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं, ऐसा रेसिडेंट जो कि ऑर्डिनरीली नहीं है। अब इसके लिए भी कंडीशन है जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, इफ द एसएससी इज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, द टोटल इनकम ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इंक्लूड्स ऑल इनकम्स फ्रॉम व्हाटएवर सोर्सेस डिराइव्ड व्हिच। ठीक है ना, तो अगर वो रेसिडेंट इंडिया में नहीं रहा है तो उसके सारे की सारी इनकम जो है वो एक तरीके से टैक्सेबल होगी। किस तरीके से टैक्सेबल होगी देख लेते हैं।
derived which is received or deemed to be received in India in such year or on behalf of such person during the previous year. देखो पहला वाला कंडीशन दूसरा वाला कंडीशन तकरीबन सेम है, या तो इंडिया में वो रिसीव करे या फिर रिसीव करने वाला हो उसके बिहाफ पे कोई और भी रिसीव करता है प्रीवियस ईयर में, अगर उस तरह का कोई भी इनकम होगा जो कि आप रिसीव करने वाले हो तो वो टैक्सेबल होगा. तो यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों केस में ही सेम है. ठीक है, एक्रूज और अराइज यहाँ पे फॉरेन जो वाला जो किस्सा मैंने तीसरे नंबर पे बताया था एक्रू और अराइज यहाँ पे डिफरेंट होगा. ठीक है, एक्रू और अराइजेस इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन टू हिम इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. तो देखो यहाँ पे पहला और दूसरा सेम है. जब भी आपको ये टॉपिक आपसे पूछा जाएगा तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट दोनों तकरीबन सेम होगा. ठीक है ना, देखो ए और बी दोनों का दोनों यहाँ पे सेम है. तीसरे में अब यहाँ पे डिफरेंट होगा क्योंकि ये बात की जा रही है इंडिया के बाहर से इनकम अराइज होने की. राइट, सो एक्रू अराइज टू हिम आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर बट डिराइव फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया. ठीक है, बाहर से अराइज हो रहा है मान रहा हूं, लेकिन जो पैसा है वो मतलब इंडिया में, मतलब जो बिजनेस आप कंट्रोल कर रहे हो जहां से वो पैसे आ रहे हैं वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होना चाहिए, इंडिया के बाहर से कंट्रोल नहीं होना चाहिए. इंडिया के बाहर से कंट्रोल्ड होगा तो फिर वो टैक्सेबल नहीं हो पाएगा इंडिया में. बट अगर वो इंडिया के अंदर से कंट्रोलेबल है, कंट्रोल किया जा रहा है, कोई प्रोफेशन आपने सेटअप करा है जो कि इंडिया के अंदर का है, तो उस केस में आपके पैसे अगर इंडिया के बाहर से भी आप कमा रहे हो तो भी वो पैसा जो है इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. तो रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में ये छोटा सा डिफरेंस है ये तीसरे नंबर वाले पॉइंट में. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. इसको आप पढ़ सकते हो बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, आपको बस कंडीशंस याद रखने हैं. तीसरा नंबर कंडीशन है नॉन रेसिडेंट, मतलब एक आदमी जो कि इंडिया में 6 महीने से कम रहा हो, ज्यादा रहेगा तो ही तो उसको रेसिडेंट बोलेंगे ना, 6 महीने से कम रहेगा तो उसको रेसिडेंट नहीं बोलेंगे. हालांकि उसमें भी कंडीशंस हैं जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, उसको आप एक बार देख लेना क्लियर हो जाएगा. सो इफ द एसएससी इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, अगर कोई एसएससी है जो कि इंडिया में नॉन रेसिडेंट है, द टोटल इनकम ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इंक्लूड्स ऑल इनकम व्हिच एवर सोर्स डिराइव्ड व्हिच इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इन सच बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. यहाँ पे भी देखो पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट तीनों का ए सेम है, टैक्सेबल इंडिया में होगा अगर नॉन रेसिडेंट है तो भी. लेकिन जो दूसरा केस है, जो दूसरा केस था यहाँ पे इसका डिफरेंस है एक्रूज और अराइजेस और डीम टू बी एक्रू और अराइज इन टू हिम इन इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर. इंडिया में ही अराइज अगर होगा तो ही वो पैसा जो है वो ले पाएगा, अगर वो इंडिया में अराइज नहीं होगा, इंडिया के बाहर अराइज होगा तो फिर वो टैक्सेबल नहीं हो पाएगा. अब चूंकि नॉन रेसिडेंट इंडिया में नहीं रहते हैं, मतलब वो कम टाइम रहे होते हैं, तो जो भी इनकम उनकी बाहर से अराइज होगी वो बाहर ही टैक्सेबल होगी, इंडिया के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी. वही बात यहाँ पे बोली गई है. Thus, not non-residents are not liable in respect of income accruing or arising outside India, even if it is remitted to India. हो सकता है कि पैसा इंडिया भेजा गया हो, ठीक है, लेकिन फिर भी वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि वो बंदा भी बाहर से रह रहा है और जो बिजनेस वो कर रहा है वो भी बाहर से चलाया जा रहा है, तो इंडिया से उसका कुछ लेना देना है ही नहीं. भले वो पैसा इंडिया में भेजा गया हो लेकिन वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जहां पे मैंने स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में बताया है. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है. मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए. बाय बाय, थैंक यू. ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, फी बहुत ही कम है, 300 रुपीज पर मंथ के हिसाब से जो है आपके ऑनलाइन क्लासेस आपके होंगे. आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए. बाय, थैंक यू.